कि उन्होंने कितने भलाई के काम किए हैं। जितने उन्होंने भलाई के काम किए मेरे हिसाब से आज तक किसी ने नहीं किए। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ी हैं वीना इंसा जी, जो कैश ऑफिसर हैं SBI बैंक में चंडीगढ़ से, आज हमारे साथ जुड़ी हैं। इनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं कि इनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया, बदलाव का क्या है असली कारण, इनके साथ सीधी बातचीत करते हैं। वीना जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। वीना जी, क्या आप बताना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, मतलब क्या सिचुएशन थी, फिर क्या बदलाव आया? मेरे को एक किडनी बाय बर्थ काम नहीं करती थी। डॉक्टरों ने मुझे PGI रेफर किया था। मेरी मदर ने यहाँ से नाम लिया था। मेरे परिवार में मेरे फादर इन लॉ है, वो काफ़ी ड्रिंक करते थे, नॉन वेज भी खाते थे। तो उसके बाद मेरी मदर ने कहा कि आप एक बार सिरसा जाके देखो। हालांकि मुझे उस टाइम इतना विश्वास नहीं था। मैंने कहा भी सिरसा जाने से क्या होगा, कहते एक बार जाके तो देखो। 26 अगस्त 1997 में मैं यहाँ पे आई थी। बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम थी। मैंने पिताजी से एक ही अरदास की कि पिताजी चाहे मुझे मौत दे देना, ये दर्द मुझे कभी ना देना, क्योंकि मुझे बहुत सीवियर पेन होता था। और उसके बाद 97 में जिस दिन से मैंने नाम शब्द लिया, उस दिन के बाद आज तक ना मुझे सतगुरु की रहमत से कभी PGI जाने की ज़रूरत पड़ी, ना ही मुझे वो कभी किडनी का पेन हुआ। मेरे दो बेटे हैं, दोनों यहीं दरबार में पढ़े हैं। आज एक दुबई में सिविल इंजीनियर है, छोटा बेटा मेरा फार्मासिस्ट है, अपनी शॉप है। मतलब स्वर्ग की ज़िंदगी जी रहे हैं हम। कह नहीं सकते उस सतगुरु ने जितना मतलब मेरे परिवार पे किया, मेरे हिसाब से तो सब पे ही ऐसा ही किया होगा। तो और दूसरे नंबर पे कि जैसे है बुराइयों से छुड़ाया, समाज में भी परिवार में भी। मेरे फादर इन लॉ इतनी ड्रिंक करते थे, फर्स्ट टाइम जब वो नाम लेके गए हैं यहाँ से, मुड़ के ना उन्होंने कभी शराब को हाथ लगाया, ना मीट को, ना अंडा को। स्वर्ग की ज़िंदगी जी रहे हम। छोटे बड़े का लिहाज है घर में, हर तरह से मतलब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिताजी ने तो इतनी बुराइयों से, जो मेरे फादर इन लॉ इतने ड्रिंक करते थे, सुबह सुबह उठते ही शराब पी लेते थे, हम चाय नहीं पीते थे, वो ड्रिंक कर लेते थे। लेकिन उसने नाम लेने के बाद ना एक दिन भी ड्रिंक की, ना उसने नॉन वेज लिया, ना उसने कभी घर में गुस्सा किया। मतलब उसके बाद 97 के बाद और अब मैं अपनी लाइफ में चेंज, अगर मैं बताऊँ अनबिलीवेबल, कि इतना हमें सतगुरु के चरणों में लग के इतना हमें फायदा होता है। ये आपकी आस्था रही मैम, लेकिन आप इतने एजुकेटेड हो, फिर भी एक संस्था के साथ आज भी क्यों जुड़े हो? इतना कुछ 2017 उन्होंने सब कुछ अच्छा ही तो किया है। वैश्याओं की शादी, वैश्याओं को कोई उस गली में से निकलना पसंद नहीं करता। उन्होंने बेटी बना के उनके अच्छे घरों में वो किया। जो लोग सड़क के किनारे भूखे नंगे बैठे हैं, बीमार बैठे हैं, क्या करते हैं? डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर उनको उठाते हैं, नहलाते हैं, उनका ट्रीटमेंट कराते हैं, अपने घरों में रखते हैं। आजकल तो अपने परिवार के मेंबर को कोई घर में नहीं रख सकता। दूसरा प्लांटेशन का है कि आज जिसको इतनी ज़रूरत है, ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा लगा के लोग बैठते हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उस सतगुरु ने तो इतने पेड़ पौधे लगा दिए, फ्री की ऑक्सीजन जितनी मर्जी ले लो। मैम, उनके ऊपर तो दूसरी तरफ एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। ऐसा है कि एलिगेशन मैं तो नहीं मानती, क्योंकि वो एलिगेशन 1% भी उस एलिगेशन में सच्चाई है। ना पहले विश्वास था, ना आज उन एलिगेशन पे विश्वास है। अपने सतगुरु के प्रति जितना पहले विश्वास था, उससे ज़्यादा विश्वास अब है मुझे। मीडिया में काफ़ी प्रचार किया जा रहा था मैम, तमाम ऐसी खबरें। मीडिया तो मैम बिकाऊ है, जो मर्जी पैसा दो, जो मर्जी करवा लो, हमें कोई मीडिया पे भरोसा नहीं। हालांकि मेरे परिवार ने तो न्यूज़ देखनी ही बंद कर दी थी उस दिन से, क्योंकि मीडिया 100% झूठ बोलता है। एजुकेटेड कितने लोग आते हैं मैम डेरा सच्चा सौदा में? मैम मेरे परिवार में देखो, मेरे दो बेटे हैं, दोनों पोस्ट ग्रेजुएट हैं। मेरी डॉटर इन लॉ है, दोनों पोस्ट ग्रेजुएट हैं। सारा ही परिवार जुड़ा हुआ। हमारे चंडीगढ़ से कितने हैं जो बड़ी अच्छी जॉब कर रहे हैं, वेल एजुकेटेड, सारे ही वेल एजुकेटेड हैं। मैम मीडिया के द्वारा अंधभगत बुलाया जा रहा था, क्या कहना चाहोगे? मैम अंधभगत कैसे हैं, बल्कि ये तो सच्चाई को अच्छे से जान पहचानने वाले हैं। अंधभगत तो कैसे, मैं तो
नहीं मानती कि ये अंधभगत है। अंधभगत तो वो होता है जो आंखें बंद करके चल पड़े, जिसने सतगुरु के द्वारे आके सारी खुशियां लिया, हर रहमतें प्रदान की, वो अंधभक्त नहीं हो सकता। 4 साल होने वाले हैं मैम, अब गुरुजी समाज में नहीं है, अब क्या इम्पैक्ट लग रहा है आपको समाज के ऊपर हो रहा है उनके समाज के? समाज के ऊपर ये इम्पैक्ट है कि जो लोग हर बार, जैसे हर महीने सत्संग होता था, लाखों की तादाद में लोग नशा छोड़ते थे, लाखों की तादाद में लोग मीट अंडा खाना छोड़ते थे, बुराइयां छोड़ते थे, वो सारा ही नुकसान है समाज को। क्या जरूरत है मैम समाज को? जरूरत नहीं मैम, हद से ज्यादा जरूरत है, हद से ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आप ही देख लो कि अगर एक महीने में 2 सत्संग होते थे, अगर 1 महीने में 1 लाख बंदा सुधरता तो अब तक कितना पीछे चला गया हमारा समाज। जरूरत नहीं, हद से ज्यादा जरूरत है। मैम कुछ लोग कहते हैं जब संत जी समाज में आ जाएंगे तो अलग तरीके का माहौल हो जाएगा, आपको क्या लगता है जब संत जी समाज में आ जाएंगे तो कैसा माहौल है? माहौल अलग होएगा, क्योंकि बुराइयां खत्म होएगी, लोग अच्छाइयों की तरफ लगेंगे। सोचने वाले की सोच है वो किस तरह सोचता है, लेकिन मेरी अपनी सोच ये है कि जब गुरु जी समाज में आ जाएंगे अच्छाइयां बढ़ेंगी, बुराइयों का अंत होएगा, अच्छाइयां हद से ज्यादा बढ़ेगी। क्या अपील करना चाहोगे सरकार से? मैं तो सरकार से ये अपील करना चाहूंगी कि वो बिल्कुल निर्दोष है, कभी सोच भी नहीं सकते हम कि वो कभी उनमें कोई 1% भी बुराई, जब उनके बच्चों में, उनकी साध संगत में कोई बुराई नहीं है तो सतगुरु में तो कोई बुराई हो ही नहीं सकती। हमारी तो सरकार से ये अपील है कि उनको बाइज्जत बरी किया जाए और हमारे बीच भेजा जाए। धन धन सतगुरु। आप लास्ट में समाज को क्या बताना चाहोगे, आम जनता को, क्योंकि उन्होंने जो भी देखा है मीडिया के द्वारा देखा है, उनके दिमाग में एक छवि बनी हुई है। एक चीज है, समाज मीडिया को ही देख रहे हैं, लेकिन दूसरा पहलू भी देखो कि उन्होंने कितने भलाई के काम किए हैं। जितने उन्होंने भलाई के काम किए मेरे हिसाब से आज तक किसी ने नहीं किए। तो मीडिया से भी मेरी एक दरखास्त है कि जो उन्होंने अच्छाई काम करे, सच्चाई को दिखाए, जो उन्होंने अच्छाई के काम किए हैं उसको भी मीडिया सामने लाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये है असली सच, डेरा सच्चा सौदा विसेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जींसा का, वेल एजुकेटेड, हमारे साथ SBI से कैश ऑफिसर जुड़े थे, जिन्होंने बताया रियल फैक्ट डेरा सच्चा सौदा का। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए, एक तरफ ये लोग चीख चीख कर बता रहे हैं कि झूठे आरोपों में संत जी को समाज से दूर किया गया है, आज समाज को सजा मिल रही है जब से संत जी समाज में नहीं है। आप लोग भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट, और सच का साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।